नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। एक बार फिर से हम BPSC श्योर सक्सेस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि इम्तियाज़ अहमद सर की किताब से लिया हुआ है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है BPSC के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति देख ली है, अब इसके आगे का चैप्टर्स हम देखेंगे। उससे पहले ये बता दें आपको कि जो हमारा ये BPSC श्योर सक्सेस सीरीज चल रहा है, इसमें जल्द ही अभी एंशंट हिस्ट्री के भी पार्ट शुरुआत कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से आपका टोटल 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये पूरी किताब आपको दे दी जाएगी कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, और बार बार 2 से 3 बार तो एटलीस्ट इसको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 40 से 45 क्वेश्चंस आपको ज़रूर ये दे के जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप सभी लोग, और चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। ठीक है, आगे का सब हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के बाद अन्य विद्रोह तथा आंदोलन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ संथाल के विद्रोह की अवधि क्या थी? संथाल का विद्रोह कब हुआ? 1855 एवं 57 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन से थे? सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव में। तो यहाँ आंसर है सभी चारों, मतलब सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव, ये सभी लोग संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? कोल विद्रोह कब हुआ? 1881-82 में। तो यहाँ देखिए, कोल विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद हुआ है, संथाल विद्रोह 57 की क्रांति से पहले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वो कौन सा जगह था? भागलपुर राजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ये नील विद्रोह 1866-67 का कहाँ हुआ था? वो हुआ था चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह, इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहिया ताल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? मुंगेर में, बहिया ताल मुंगेर में। उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन हमारा, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्व अधिकार नीति के विरोध जो आंदोलन चलाया गया था वह था आपका बख्श आंदोलन। बख्श आंदोलन में जमींदार के सत्व अधिकार नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। बख्श आंदोलन में जमींदार के सत्व अधिकार नीति के विरुद्ध 1936 में हुआ था। ये सारी चीज़ें आप एक साथ ध्यान रखें, 1936 में कौन सा आंदोलन हुआ? बख्श आंदोलन हुआ। किस लिए हुआ था? जमींदार के सत्व अधिकार जो के नीति के विरुद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिहार में क्या हुआ? पूर्णिया में था। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770-71 में। ये सारी चीज़ें आप एक साथ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन हमारा, बिहार में नोनिया विद्रोह, क्या नोनिया विद्रोह जो 1700 के मध्य हुई थी, के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? जिला पूछ रहा है। तो वो ऑप्शंस क्या हैं? सारण, वैशाली, पूर्णिया एवं उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी जिले प्रभावित हुए थे, सारण भी, वैशाली भी और पूर्णिया भी। तो नोनिया विद्रोह 1778 एवं 1800 के मध्य हुई थी, और सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सभी जिले प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये हमारा वो समाप्त होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन, इसके हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखिए, इन ऑप्शंस में देखना है वहाबी आंदोलन, अहमदिया, अलीगढ़, उनमें से कोई नहीं। तो अहमदिया एवं अलीगढ़ नहीं थे, वहाबी आंदोलन ही बिहार में
हुआ था और इसका संबंध वहाँ पे था, तो इसलिए ये इस दिए हुए ऑप्शंस में वहाबी आंदोलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया, कौन प्रारंभ किया? सैयद अहमद शहीद ने। ये सब आप टॉपिक देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल जीएस के टॉपिक्स हैं और ये यूपीएससी में भी आते हैं इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस इस टाइप से अलग, और सभी पीसीएस में भी आते हैं, तो इसको सिर्फ बिहार स्पेशल कहना सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ, कौन प्रारंभ किया? सैयद अहमद शहीद ने। तो देखिए, सैयद अहमद जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म 1786 में हुआ था, तो थे ये यूपी के वहाबी आंदोलन प्रारंभ करने वाले सैयद अहमद शहीद थे, और ये बिहार से भी इसका संबंध है। ठीक है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, तथा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो ये तीनों उसके उद्देश्य थे, तो ये आप ध्यान रखिए, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिम समाज में सुधार, दूसरा उन पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, तथा ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या, कौन सा केंद्र था? पटना, पटना ही वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, शुरुआत किए थे यूपी के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो कब आए थे वो 1821 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना केंद्र था किस आंदोलन का, वो था वहाबी विद्रोह। 1830 में वहाबी विद्रोह का केंद्र हमारा पटना था। वहाबी, ये देखिए, वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों तक पटना मुख्य केंद्र रहा था, बहुत ही लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा, जिसमें मुस्लिम समाज में सुधार का एक उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, ये ध्यान रखिए, विलायत अली और इनायत अली, ये पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी, तो ये किसे मिली थी, ये ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका, अहमदुल्ला को, यह है इसका आंसर, अहमदुल्ला साहब को वहाबी आंदोलन में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था, हाईकोर्ट ने इसे चेंज कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्या है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? अंतिम मुख्य वहाबी नेता अहमदुल्ला, यही अंतिम थे और इनको मृत्युदंड की सजा दी गई, फिर बाद में उसे काला पानी में बदल दिया गया था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में। विलायत अली और इनायत अली दोनों ही भाई थे, जो कि पटना से थे। ठीक है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुए? इनायत अली। विलायत अली के बाद इनायत अली, विलायत अली बड़े भाई थे, इनायत अली छोटे भाई थे। तो इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में, और विलायत अली की कब मृत्यु हुई? 1854 में। दोनों डेट आप याद रखिए, दोनों डेट आप इसको याद रखिएगा, 1854 में विलायत अली, 1858 में इनायत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे सी विलायत अली, मतलब विलायत अली जो थे वो उनके, सॉरी, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? ये थे प्लाइडेन। 1864 में जो अंबाला में मुकदमा हुआ था, पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइडेन। इस मुकदमे में तीन पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष आठ को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। ठीक है, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, कब समाप्त हुई? 1870-71 तक उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई? कौन थे? रिपन। रिपन साहब एक ऐसे थे जो कि थोड़ा अच्छे काम किए थे। तो इनमें देखिए लिटन कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकते, डफरिन का वो समय था नहीं, डफरिन किए नहीं, लिटन का 80 में ही चले गए थे, और रिपन थे जो कि आपके 80 से 84 के बीच में थे। तो आपको अगर उनका काल भी याद है, लॉर्ड रिपन का काल भी याद है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं एकदम सटीक आंसर। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक ही थे, और इसके बाद डफरिन आए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया लॉर्ड रिपन, जो कि देखिए सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर इनकी रिहाई हुई थी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। देखिए आप ध्यान रखिएगा, यही उस समय भी थे, 1857 की क्रांति के समय भी ये कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे, और इसके बाद कौन हुआ था? सैमुअल्स हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? ऑप्शन विलायत अली अहमदुल्ला और सैयद अहमद बरेलवी और कोई नहीं। तो इसमें आंसर है सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी साहब को आध्यात्मिक नेता माने थे वहाबी आंदोलन के लोगों ने। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? वो अपना स्थापित किया था सित्ताना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। ये आप चार लाइनें हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। उनका मृत्यु किसके बारे में? देखिए सैयद अहमद शहीद साहब के बारे में। ठीक है, उनका मृत्यु 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। थर्ड ऑप्शन, वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, तथा उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। तो आंसर देखिए ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, जन्म 1786, 21 में वो पटना की यात्रा किए, 31 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, और वह कहाँ पे? बालाकोट के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? अभी हम लोगों ने देखा था 1858 में। इनायत अली को मरणोपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? कौन थे? मकसूद अली। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया कब? 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, उपयुक्त सभी। तो वहाबियों ने अंग्रेजों को सभी युद्धों में पराजित किया था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो अब्दुल रहीम, अहमदुल्ला, यहिया अली, इन सभी लोगों को। अभी आपने देखा उतने लोगों को एक साथ उम्र कैद एवं काला पानी की सजा हुई थी, तो ये अंबाला कोर्ट में, तो ये अब सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला, उनके जो का केंद्र होता था उसको कहते थे काफिला। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन। वहाबियों से ही प्रेरित होकर जो बंगाल, पूर्वी बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ, उसे फराइजी आंदोलन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए आज का टॉपिक यहीं हम ख़त्म करते हैं, और अगले टॉपिक हमारा क्या रहेगा? राष्ट्रीय चेतना का उदय, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसको सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब लोग।